बहुत बार आरोप लगता रहता है कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन इसके कहीं कहीं सबूत भी मिल जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कितनी बार कभी भी पुलिस किसी को उठाकर पीट देती है, लेकिन क्या ये सुना आपने कि पुलिस को ही पीट दिया गया हो? वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक ही महीने में 16 बार। ये हालात है बिहार पुलिस के। और पिटाई भी ऐसी वैसी नहीं, लाठी डंडे ईंट पत्थर जो भी हाथ में आए वही सब पुलिस पर दे मारते हैं। ऐसा कुछ हुआ है बिहार में। अब 16वीं बार फिर बिहार पुलिस अच्छे से पिटती हुई नजर आ रही है, और इसकी बकायदा वीडियो भी है जहां पर पुलिस को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। हालांकि ड्राइवर दिख रहा साथ में कि गाड़ी को कैसे कभी पीछे लेता कभी आगे लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पीछे जाकर भी पीटते हैं, आगे जाकर भी पीटते हैं, और पुलिस को अच्छे से पिटाई करते हैं। और यह वीडियो कहाँ की है आपको बता दें कि बिहार का सीतामढ़ी जहाँ अक्षेत्र है वहां की यह बताई जा रही है, जहां पर के कुछ लोगों ने चक्का जाम कर रखा था और उसी को हटवाने के लिए वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। और उसके बाद वहां पर होता क्या है, पुलिस बार बार समझाती है लेकिन लोग उसके बावजूद नहीं मानते। उसके बाद पुलिस और ज्यादा बल बुला लेती है और ज्यादा पुलिसकर्मी होते हैं, तो उसके बाद ग्रामीण और ज्यादा भड़क जाते हैं। और आगे जहां महिलाएं होती है तो उन्हीं का सहारा लेकर ग्रामीण ईंट पत्थर बरसाते हैं और पुलिस को बुरी तरह पीटते हैं। और यह पहली बार नहीं, इसी महीने में, एक महीने में आप सोचिए कि पिछले 28-30 दिनों में ही 16 बार बिहार पुलिस बुरी तरह से पीटी है। और आपको बता दें कि यह वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे कि यह कैसी सरकार है, सवाल उठ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। यह जो आज का ताजा मामला आया है ये है पुपरी थाने का, जहां पर के गांव बिटाक में गांव में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद शनिवार को ग्रामीणों ने जाम किया था सड़क को, और पुलिस पर हमले का यह वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि ड्राइवर कभी गाड़ी बैक कर रहा है तो कभी आगे ले रहा है, भीड़ भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है और हमला करती दिख भी रही है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। घायलों में कृष्ण प्रसाद सिंह, उमेश कुमार सिंह और पुलिस ड्राइवर राम प्रताप सैनी शामिल है। पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में यह बिहार पुलिस पर 16 बार हमला हो चुका है। इसमें सबसे पहले समस्तीपुर में जहाँ 2 बार हमला हुआ, उसके बाद जमुई में 3 बार हमला हुआ, उसके बाद बांका में 2 बार, सहरसा में भी 2 बार हुआ और अररिया में भी 2 बार और पटना में 4 बार बिहार पुलिस बुरी तरह पिट चुकी है। युवक की मौत को हत्या बताते हुए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक सड़क जाम की। सड़क जाम की सूचना मिलने पर पहले पुपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसा। बताया जा रहा है कि बिट्टा गांव में गुरुवार की रात छत पर सो रही श्री सैनी के बेटे महेश सैनी, जो कि 20 साल के थे, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह परिजन छत पर गए तो महेश को मृत हालत में देखा। परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहां से शव आते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोग शनिवार को सड़क पर भी उतर गए। इनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा थी। महिलाओं को ही ढाल बनाकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि महेश अपने आप नहीं मरा है बल्कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या का आरोप उसकी भाभी पर ही लगाया जा रहा है। बीड़ की यह मांग थी कि जो उसकी भाभी है जिसने उसको मारा है उसको बीड़ के हवाले कर दिया जाए। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को पहले समझाने की बहुत कोशिश की, मामला बिगड़ गया, काफी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया। यह सब देखकर लोग और ज्यादा उग्र हो गए। होना तो ये चाहिए था कि और ज्यादा पुलिस आ गई तो डर कर भाग जाते, लेकिन वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए और मामला बिगड़ता देख पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के बल प्रयोग करने पर ग्रामीणों ने भी पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसकी भाभी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस टीम पर हमले में चुमन नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 10 महिलाओं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रुक जा भी फिलहाल पुलिस
आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। और दोस्तों आप इस पर क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या जिस तरह से बिहार पुलिस एक ही महीने में लगातार 16 बार पीटी है, क्या यह कहां तक सही है और क्या बिहार पुलिस की नाकामी नजर नहीं आ रही है? जो बिहार पुलिस कोरोना काल में बिना वजह लोगों को पीटती हुई नजर आ रही थी, आज वह बेकसूर होते हुए भी खुद पीटती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।